नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने लेनोवो एलओक्यू का रिफ्रेश रेट चेंज करेंगे। बहुत से लोगों को समस्या आ रही है इसमें कि वो चेंज नहीं कर पा रहे और बैटरी इश्यूज, ड्रेनेज इशू आ रहे हैं उनको, तो थोड़ा बहुत उनको सहायता मिल सकता है बैटरी का। तो करना क्या है, चेंज क्यों नहीं कर पा रहे आप, जब आप पहले डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं और एडवांस डिस्प्ले में जाते हैं तो ये रिफ्रेश रेट चेंज नहीं हो पा रहा। देखिए 144.02 Hz से नीचे नहीं हो पा रहा। आप कहीं भी क्लिक कर लो, नेट तो खैर भी बंद है मेरा, तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा और कैसे मिलेगा, सिंपल है, देख सकते हो आप सब कुछ सही चल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से हम चेंज नहीं कर पा रहे। मिनिमाइज करेंगे और अपने लेनोवो वोल्टेज में जाएंगे और जो वर्किंग मोड चल रहा है आपका उसको हम DGPU कर देंगे। जब आप DGPU करेंगे तो उसको सेव कर देंगे, आपको बस एक रिस्टार्ट मारना होगा, वो हम मार देते हैं, उसके बाद वीडियो पे आते हैं उसकी बात। तो लैपटॉप हो चुका है रिस्टार्ट, अब आप देखेंगे तो यहाँ DGPU मोड में हम आ चुके हैं, डेडिकेटेड GPU मोड कहते हैं इसको। दोबारा से जाएंगे डिस्प्ले सेटिंग्स में, एडवांस्ड में, देखिए अपने आप ये 144 से 72 तक पहुंच चुका है। तो क्या है इसमें, एक डेडिकेटेड जीपीयू है, एक आपका RTX 4050 है और वर्चुअल वाला भी अलग से, तो ये तीनों मिलके काम करते हैं, इसीलिए लेनोवो वोंटेज में काफी सारे ऑप्शंस हैं। हाइब्रिड मोड है कि आप आधा काम उससे कराएं, ऑटोमेटिक चेंज उससे कराएं, बट आप सिर्फ DGPU मोड में ही, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मोड में ही रिफ्रेश रेट चेंज कर सकते हैं अपने लेनोवो एलओक्यू का। मेरा मॉडल है 15i RHA 2023 का मैन्युफैक्चरिंग है, और इस तरह आप अपना 144 भी कर सकते हैं और 72 भी कर सकते हैं, तो इससे आपको बैटरी में थोड़ा बहुत फायदा जरूर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट करना, मैं जवाब दूंगा।